नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं काफी आप लोग अच्छे होंगे और दुर्गा पूजा की ढेरों बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हमेशा की तरह नए नए अंदाज में वीडियो लेकर मैं आता रहता हूं। तो दोस्तों आज कुछ मैं बहुत ही खास चीज, कुछ एडवांस अलंकार है जो आपको गाना निकालने में पूरी तरह से मदद करेगा। तो इस अलंकार को आप देखें, समझें और इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल बिना समय गवाए शुरू कर दे। दोस्तों पहले के अलंकार तो आप लोग कर ही रहे होंगे, वो करते रहें और इसको भी उसमें ऐड कर लें, जिससे आप गाना निकाल सके, गाना निकालना समझ सके और गाना निकालना शुरू हो जाएगा। बहुतों लोगों का निकल रहा है गाना, जो कोशिश कर रहे हैं उनका रिजल्ट सामने आ रहा है और वो लोग मुझे व्हाट्सअप करते रहते हैं, कॉल भी कर लेते हैं कि सर आपकी वजह से मैं गाना निकालना मैंने शुरू कर दिया है और धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहा हूं। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि मैं पूरा गाना निकाल पाऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी हर एक आदमी कोशिश करें, जो भी हारमोनियम सीखने के लिए जुड़े हैं तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों फिर मैं कहता हूं इतना बोलने के बाद भी कि वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें और शेयर करें। आइए दोस्तों वो जो अलंकार है मैं आपको उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊं ताकि आप उसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों आइए करते हैं, समझते हैं। देखिए हमेशा क्या होता है दोस्तों कि आप क्या करते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस ही करते हैं और ये सिस्टम भी है, बिल्कुल ये गलत नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग सिस्टम ही ऐसा है। डायरेक्ट हम लोग एप्पल दिस इज एन एप्पल नहीं पढ़ते हैं, पहले एबीसीडी पढ़ते हैं। तो आप लोग करते हैं, ये तो आप बजाते ही हैं, सा रे ग म प ध नि सा मगरे सा, ये तो आप करते ही हैं, यही है ना। और भी करते हैं, यानी कि जितनी भी अलंकार करते हैं वो यहां से सा से स्टार्ट होता है। कुछ मैंने अलग तरह का ही बताया था, आज थोड़ा अलग बता रहा हूं। आपको क्या करना है दोस्तों कि अलंकार नंबर वन, मैं अभी इसमें दो अलंकार बता रहा हूं और दोनों काफी इफेक्टिव है। आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको फील होगा, जो गाने में प्रक्रिया होती है स्वरों की वो यहां आपको इन दोनों में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको ग से स्टार्ट करनी है, ग रे सा म ग रे प म ग। देखिए फिर से ग रे सा ग रे सा, है ना, म ग रे म ग रे प म ग प म ग। फिर ध प म ध प म कर दिखा रहा हूं एक ही फिंगर से ताकि आप कीज को देख लें। सा नि ध सा नि ध रे सा नि रे सा नि ग रे सा ग रे सा। ये नीचे से ऊपर की तरफ का हो गया दोस्तों। अब ग रे सा हो गया, अब वापस लौटेंगे तो वो ध से शुरू होगी दोस्तों। कैसे, धनी सा धनी सा, ये प प धनी प धनी, फिर म से मा,
प ध म प ध ग म प ग म प रे ग म रे ग म सा रे ग सा रे ग। और जैसे दो यहां बढ़ा था उसी तरह दो नीचे बढ़ जाएगा। नी सा रे नी सा रे ध नी सा ध नी सा। तो इसको अब नॉर्मल फिंगर से एकदम नॉर्मल करना है, सुनना है आपको। तो इसको दोस्तों आप बहुत कीजिए। जब आप करेंगे तो आपको समझ में आए कि स्वर यहां से कैसे उतरता है, यहां और फिर स्वर यहां से उतरना, यानी गाने में यहां से अगर गाना यहां है और स्वर उतर रहा है नीचे की तरफ, तो आपको यह समझ में आएगा। इस ऑर्डर में यह है। और जब आप धनी सा वापस लौटने वाला करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि गाना यहां है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो गया। ये देखिए ऊपर की तरफ जाना, यानी जहां है वहां से ऊपर जाना, यानी गाना जहां है वहां से ऊपर की तरफ जाएगा, तब वो समझ में आएगा। और अगर गाना नीचे की तरफ आ रहा है तो जैसे आप कर रहे हैं ना, यानी कि जब आप इस लेसन को अलंकार को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ में, तो आपका जो गाने में जहां पर है वहां से स्वर कैसे उतरता है नीचे की तरफ, गाना कैसे उतरता है, और जब ये लौटने वाला करेंगे तो गाना अगर यहां है तो गाना ऊपर की तरफ कैसे भागता है ये सिखाएगा। यानी दोनों चीज वो दोस्तों इसमें आपको सिखाएगा ये, ठीक है। अब एक चीज और, ये टू इन वन है, टू इन वन यानी कि इसमें आप अगर फिंगर प्रैक्टिस करना चाहें तो देखिए कैसे कीजिएगा। जब फिंगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। कैसे? देखिए है ना, तो यानी कि जब आपको स्वर समझना है अलंकार को तो धीरे धीरे करेंगे, और जब इसी अलंकार में आपको फिंगर तेज करने की प्रैक्टिस करनी है तो इस तरह से करेंगे। गरे समा गरे, फिंगर ये प्रैक्टिस हो गई और स्वर को भी गाने के स्वर को भी समझने लगे। एक ये है दोस्तों, एक और दूसरी आपको क्या करना है, ये अभी आप कर रहे थे ग रे सा तीन स्वर का, इसमें ग म ग रे सा चार स्वर का, लेकिन पांच स्वर बज रहे हैं, चार में एक रिपीट हो रहा है। देखिए अब ग पे उसी चीज को अब देखिए समझिएगा, ग म ग रे सा। आप देखिए गाना में क्या होता है कि सिर्फ नीचे ही नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता है, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमने यही किया है, ग म यानी ग से ऊपर गया म पे, और फिर ग रे नीचे आ गया, हमने दो नीचे उतारा है ताकि अगर ज्यादा हो दो उतरा हो तो आप दो तक उतर सकते हैं, एक उतरा हो तो एक आप समझ सकते हैं कि उसका आधा हो जाएगा। अगर एक यहां से यहां चढ़ा, एक यहां चढ़ा और यहां से फिर दो उतरा, तो दो का लेंथ दो सेकंड का होगा, और अगर एक उतरेगा तो एक सेकंड का होगा, छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमने ऊपर एक रखा है और नीचे दो रखा है दोस्तों। तो देखिए कैसे, ग म, देखिए मैं फिंगर करके दिखा रहा हूं, ग म ग रे सा, फिर से ग म ग रे सा।
गाने में हो 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 है ना। फिर पधा पम ग आ पूरा लेंथ आ जाएगा इसमें। रे ग रे सा नी आ, गाना ऊपर आता है तो ग म ग रे सा आ। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं लगातार कर दिखाता हूं। वो ग म ग रे सा आ, मैं थोड़ा तेज कर दे रहा हूं, फिर आप कहेंगे वीडियो सर लंबी थी इसलिए। प ध प म ग आ, ध नि ध प म आ, नि सा नि ध प आ, यानी आ मैं इसलिए कर दे रहा हूं ताकि गाने में कभी भी ऐसा है तो आप उसको समझ सके। तो ये दोस्तों हुआ नीचे से ऊपर की तरफ जाना, और जब आपको लौटना होगा वापस तो सेम जैसा लास्ट था उसी को फर्स्ट मानकर लौट जाएंगे। कैसे? ग म ग रे सा आ, फिर से एक बार लौटने में फिर रे आएगा। ग म ग रे सा आ, रे ग रे सा नी आ, सा रे सा नी ध आ, नी सा नी ध प आ। इस तरह आप पूरा लौट जाइए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और बहुत एडवांस है ये, तो इसकी प्रैक्टिस आप करें दोस्तों। और आपको इसमें भी फिंगर प्रैक्टिस करनी हो, फिंगर को तेज करनी हो तो क्या, दो दो बार का कर लीजिएगा तो जल्द ज्यादा अच्छा होगा। तो आपका क्या हो जाए, इस तरह से आप प्रैक्टिस करें दोस्तों। इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत आपको फायदा होने जा रहा है दोस्तों, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। और दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करें तो एक चीज मैं बता दूं, अभी तक एक लोगों का आया है कि सर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। लंबी कभी कभी इसलिए हो जाती है कि मैं समझाने की पूरी तरह कोशिश करता हूं, और जब मैं समझा ही नहीं पाऊं और आप समझ ही नहीं पाए तो वीडियो छोटी होने का क्या मतलब, छोटी और बड़ी का क्या अंतर होता है, 2 मिनट 3 मिनट कम या ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों वीडियो को नहीं देखें कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये देखें कि सामने वाला जो भी सिखा रहा हो वो कितने अच्छे से समझा रहा है और मैं कितने अच्छे से समझ रहा हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों को शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक लेकर। फिर से एक बार आप सभी को नमस्कार, जय माता दी।